मेरठ थाने सारीगेट क्षेत्र के सारीगेट चौराहे स्थित बिजली घर पर नाइम नाम का युवक लाइसेंस पर 15,000 का रिश्वत लेने का आरोप लगाए। बिजली घर पर किया काफी हंगामा। प्राइम डे के न्यूज चैनल के लिए शहजाद खान, मेरठ, उत्तर प्रदेश। नाइम क्या मामला हुआ? हमारा सुबह चेक इन की रेल डाली उन्होंने, बिजली घर वालों ने, बिजली विभाग ने, और मेरा जो मीटर की उसकी वीडियो बना के ले गए। उसमें साल का साल था मीटर में, और जब मैं उनके घर में उन्होंने बुलाया, और बुलाने के बाद में उससे कहा कि मैंने उनसे कहा कि क्या करना है। ये कहने लगे कि आपका जुर्माना होगा है, 1,00,000 रुपये का जुर्माना आपका होगा ये, और आप अगर 15,000। मैंने कहा कि इसमें क्या करना होगा, कुछ कम हो सकता है? उन्होंने कहा कम हो सकता है, 15,000 रुपये आप हमें दे दीजिए, आपका जुर्माना कम से कम करा देंगे हम, इनको 25,000 रुपये करीब में। और मैंने उनको 15,000 रुपये दिए, क्योंकि मेरा जुर्माना उन्होंने करीबन 71,000 रुपये का करीब बता रहे हैं उसके जुर्माने को। मेरा जुर्माना ऐसा बताओ जी, क्या फ़ायदा हुआ? कब हुई थी चेक इन आपके? चेक इन हुई थी मेरी 26 तारीख को सुबह को, करीबन 7:45 का टाइम। पैसे कैसे दिया था आपने? EMI थी। मैंने जो पैसे दिया उसमें नसरू नाम बता रहा था, जो उनमें आपस में बात चल रही थी, नसरू भी था उसमें, और जी एक वो था, क्या नाम उसका, लंबा सा था उसका, दिनेश नाम उसका, और जी एक साकी था, उसका हाथ टूटा हुआ है। आप अभी जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि मैं इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाता, क्योंकि मैं तो यहाँ पर नया हूँ, पहली बार। कहाँ रहते हो? अच्छा, कौन कौन चेक इन पर तौरान पेश आएंगे? चेक इन पर मैं तो जानता हूँ, चेक इन का दिनेश था, लंबा था, वो चेक इन पर गया था। वो मुझे डरा रहे थे कि तेरा जुर्माना तो 2,00,000 का बैठा है, तो 2,50,000 का बता रहा था, 1,00,000 रुपये का बता रहा था, मुझे पता नहीं जुर्माना कितने रुपये का था। और जी उन्होंने ये बताया कि तू 15,000 रुपये दे तेरा जुर्माना, 20,000 से 25,000 रुपये तक का तेरा जुर्माना इतना हो जाएगा। 15,000 रुपये उनको कैश दिए, 15,000 रुपये कैश देने के बाद ही जब मेरा जुर्माना इतना आया, तो फिर मेरा फायदा क्या होगा देने का? कितना का जुर्माना है आपका? मेरा जुर्माना करीबन 71,000 रुपये करीब का जुर्माना है वो। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा जुर्माना देना ही है मुझे, तो फिर मेरे 15,000 रुपये मुझे दिलाए जाएँ। ये यहाँ पर सिर्फ दलाली कर रहे हैं, और यहाँ पर जिसको जिस मर्जी चाह रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो पैसे जाने दे रहा है। बताओ कि मैं गरीब आदमी कहाँ जलाऊँ बाइक? अच्छा, इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की है? जी मैंने अधिकारी से शिकायत दी करी है, अभी आप आए हो, मैं अधिकारी के पास में जा रहा हूँ उनकी शिकायत लेके, और जो मुझे कॉपी वॉपी मिली है अभी मुझे दिखा रहे हैं कि यहाँ जा वहाँ जा, जो कॉपी मांगा हूँ मैंने अपने उसकी जुर्माने की, वो कॉपी भी अभी तक मुझे मिली नहीं है। शिकायत बाहर खड़ा हूँ। शिकायत करोगे आप इसकी? बिल्कुल शिकायत करूँगा जी, बिल्कुल शिकायत तो करनी पड़ेगी, योगी जी की सरकार है ये, तो बताइए हम उनसे इंसाफ से वक्त है। क्या करते हो आप? और हम भी जानते हैं कि जो स्कैम सरकारी काम तक पर है वो इस पर एक्शन लें, इनको सस्पेंड किया जाए। आप कहीं भी इंक्वायरी कर सकते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा इन्होंने आपस मचा रखी है। क्या करते हो? जी मैं नील तेजा का काम करता हूँ, गरीब आदमी।